लड़का है, क्या नाम है जी? कविता गुप्ता। आप लोग जानते हैं इनको? देखा है पहले कभी? देखा हो। कितनी उम्र हो रही है आपकी? 44। कितनी उम्र हो रही है जी? 44। कहाँ से आती हैं आप? शास्त्री नगर। ठीक है जी, मुझे लगता था कहेंगे कि घर से आई। ठीक है, आपको यहाँ पर आने से पहले इंटरव्यू का आपको आना क्यों मतलब चाहा आपने? क्या बीमारियाँ थी आपको? स्लिप डिस्क है, माइग्रेन है, थायराइड है, सर्वाइकल है, बस ये चार समस्या मैं कह रहा हूँ, बस कम है क्या किसी को परेशान करने के लिए? सही गलत है जी? तो ये चार समस्याओं को इन्होंने कितना झेला होगा, कैसे कैसे झेला होगा, यहाँ पर आने से पहले कैसे झेला वो मुझे बताइए दो शब्दों। तो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से मेरे को प्रेगनेंसी में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से मेरे को स्लिप डिस्क हुआ। एंगल को 3 साल, सर्वाइकल को 2 साल। हमारे पड़ोसी है वो आते थे यहाँ पर, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया, मेरे हस्बैंड ही यहाँ आए, उनको अच्छा लगा, फिर वो मेरे को लेके आया, बहुत अच्छे मेरा आना चाहते थे। स्लिप डिस्क मेरे को ऐसा था कि मैं ले ही नहीं सकती थी सीधे, क्योंकि वो बिल्कुल सीधे लेटने के लिए वहां पर, एक मोती की जगह मेरी सीट के बीच में रहती थी। आज ये कि मेरे को 50-60% आराम है, मैं सीधी लेट सकती हूँ, जमीन में बैठने को सीधे लेटने को स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था। मैं सोती हुई करवा चेक करके या पेट के बल सो सकती थी आराम से, आई आगे मन करता है ना वो 15-20 मिनट में सीधे लेट जाती। बहुत बड़ी बात है, इसी पर मैं ऐसा बोल दूँ कि आने से कम से कम जो मैं सोच रही थी वो काम हो गया, कि मैं सीधे ले पा रही हूँ और धीरे धीरे बाकी चीजें भी ठीक हो ही जाएंगी। मुझे एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर है आपको आराम तो आया तो सबको पता चला, लेकिन आने से पहले आपको किसी ने बताया होगा? पड़ोसियों ने हमें बताया था ना, वो यहाँ आके फैमिली ले रहे थे, हस्बैंड उनके पास जाके बैठे, वो आए 2-4 दिन बाद देखो के लेके आए, कहने लगे वहाँ काफी आराम मिलेगा। एक बार उनके लिए ताली बजा दीजिए। तो आपको यहाँ पर कितना वक्त हो गया हमारे यहाँ पर थेरेपी लेते हुए आपको? तो मेरे को यहाँ पे 7-8 महीने हो गए, लेकिन एक्सीडेंट होने से बीच बीच में काफी अच्छा हुआ है, क्योंकि मेरे को काफी आराम है इसीलिए। अच्छा एक बात बताइए और बताइए कि जैसे आपको 7-8 महीने हुए, आराम तो आया हमने सुना, लेकिन आराम से पहले में थोड़ा सा दर्द और तकलीफ मतलब इम्प्रूवमेंट ऑफ रिएक्शन भी आते हैं, जिसको हम सुधार के लक्षण कहते हैं, तो वो भी आई एम श्योर कि आपके साथ भी हुआ होगा। मेरे को नींद ज्यादा आती थी, लूज मोशन है, देखिए ये सारी चीजें होती है, इसलिए इनसे पूछा कि दर्द होता है तो इमोशन लगता है, हो सकता है, जिससे आपको घबराना नहीं है, इनको झेलते इन्होंने झेला इसको, तभी जाके इनको आज है द्वारा आया है। सही गलत है जी? कितना परसेंटेज आपने बताया था? 50-60% इनको आराम है जो आ गया है, तो क्या 100% को आराम नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा, इनकी दुआएं आपके साथ है, लाइन को पकड़। हाँ, क्योंकि इनके बीच में गैप भी हुआ था, इनका फ्रैक्चर हो गया था मैं जानता हूँ, तो 2-3 बार हो गया, हाँ तो इस वजह से इनको गैप लेना पड़ा, कोई भी लेगा ठीक है, लेकिन फिर भी इनको है जो 50-60% आराम इनको है, और आप सभी को भी होगा। ये विश्वास दिलाने के लिए हम यहाँ पर लोगों को बुलाते हैं, बताने के लिए कि आपके अंदर जो विश्वास की कमी हो रही है मैं समझ सकता हूँ, जब यहाँ पर लोग आते हैं तो हमें विश्वास है जो आता है। सही गलत है जी? कुछ इनके लिए कहना चाहेंगे आप भी रेगुलर आते रहिए, और आपका विश्वास रखिए तो विश्वास से तो पूरी दुनिया जीती जा सकती है। एक सवाल और, हमने सब कुछ माना, ऊपर ऊपर से जाना कि आराम आया, थेरेपी ली 4 महीने 6 महीने 8 महीने जो भी, लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या लगा हुआ है, क्या है जो आपको आराम दिया इसने? सिंपल बेड है, टोर्जिया है, किसकी है? टोर्जिया का बेड है,
इससे बहुत आराम मिलता है आपको। रोजिया के अस्टोन की बदौलत जो इनको आराम लगा है, न मेरी वजह से, न इनकी वजह से, न किसी की वजह से, इनको आराम जो आया है IV9000 प्लस की वजह से, टोर्जिया की वजह से, इंडोवेस्ट की वजह से। सही है गलत है जी? इंडोवेस्ट ही पूरे पूरे अपने आप में एक डॉक्टर है, ताकि हम सब कोई डॉक्टर है। सही गलत है जी? एक बार कंपनी के लिए जोर से ताली बजा देंगे सभी आवाज के साथ।